तो गाइज रिलायंस जियो का सेट टॉप बॉक्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का एक वीडियो सामने आया है और यह पोस्ट हुआ है डीटीएच प्रोजेक्ट जी की चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें समझा देता हूँ, डीटीएच बॉक्स में क्या आएगा, टीवी से कैसे कनेक्ट होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो हाय गाइज, दिस इज मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग मिश्रा जी टेक्निकल। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर टेक न्यूज। तो अभी सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि ये जो बॉक्स है सेल के लिए नहीं है, ये अभी टेस्टिंग फेज पे चल रहा है और ये हमारी जो छत पे डिश लगती है उसी के थ्रू कनेक्ट होगा। एंड तो अब हमको देख लेते हैं कि ये बॉक्स में अंदर क्या है। तो बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले मिलता है हमको सेट टॉप बॉक्स। इस पर आप देखेंगे कि तो लेफ़्ट साइड में जो है यूएसबी पोर्ट दिया गया है, राइट साइड पे जियो का एक लोगो आपको मिल जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं कि बॉक्स के पीछे क्या क्या मिलेगा। बॉक्स के पीछे सारे ऑर्डिनरी चीज़ें जैसे डीटीएच पिंस होते हैं वो सभी मिलेगा आपको, एचडीएमआई पोर्ट मिलेगा और इवन इसमें RJ45 पोर्ट दिया गया है। आप इंटरनेट कनेक्ट करके भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब हमको देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। एक अभी ये जो मिल रहा है तो इसको यूज़र मैनुअल बोलते हैं, इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी आपको बॉक्स की। एंड इसके बाद बॉक्स में से हमको जियो का एक इंफ्रारेड रिमोट भी मिलेगा। उसके बाद बॉक्स में से हमको एक एडाप्टर मिलेगा जो बॉक्स से कनेक्ट होगा पावर के लिए। एंड इसके साथ आपको HDMI का एक वायर भी मिलेगा एंड बाकी जो ऑर्डिनरी वायर होती है सेट टॉप बॉक्स के साथ वो सब मिलेगा आपको। सेट टॉप बॉक्स का ऊपर जो होल दिख रहा है ये कूलिंग्स के लिए है। तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये टीवी से कनेक्ट होता है। तो जब ये गाइस टीवी से कनेक्ट हो जाएगा तो उस कुछ इस तरह की लोडिंग स्क्रीन आपको मिल जाएगी देखने में। तो जियो आप नीचे जब देखेंगे तो जियो का सेट टॉप बॉक्स की कनेक्ट करके रखा हुआ है उन्होंने एंड इनकी टीवी पे सारी फंक्शंस मिलेगी आपको। जब ये जियो सेट टॉप बॉक्स ऑन हो जाएगा तो जैसे ही टीवी स्टार्ट हो जाएगा आपकी चैनल मिल जाएगी सब। तो अब हम सब फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले रेडियो का फंक्शन मिल जाएगा आपको, उसके बाद आप वायर कनेक्ट करके इसमें डायरेक्टली टीवी भी देख सकते हैं, होस्टर वाली चीज़ें भी हो सकती है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी और भी फंक्शन मिलेगा। इवन इसमें सबसे अच्छा फीचर जो है वह है कि आप इसमें पेन ड्राइव अटैच करके मूवी भी देख सकते हैं, आपको DVD का भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि चैनल्स कौन कौन सी मिलता है। तो इसमें सारी चैनल्स मिल जाएगा जो हमको एक ऑर्डिनरी DTH में मिलता है। इसमें HD चैनल्स भी है एंड स्टैंडर्ड चैनल्स भी है और ये अभी अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है। तो आने वाले 2-3 महीनों में शायद ये लॉन्च हो जाएगा एंड जियो सिम की तरफ शायद ये 5-6 महीना TV भी फ्री मिलेगा इसमें। तो अगर आपने गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जियो के रिलेटेड सारी खबर आपको इस चैनल में सबसे पहले मिल जाएगी। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं इस जियो सेट टॉप बॉक्स के रिलेटेड तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू, जय हिंद।